अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जहां उन्होंने महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव व पीताम्बरा पीठ पर पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री का दतिया पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की जनता को दोबारा केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर बधाई एवं धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री बोले कि 6 माह पूर्व मध्य प्रदेश में उथल पुथल की स्थिति थी, कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पार्टियां बराबर पर आई थी। 6 माह बाद लोकसभा चुनाव में जनता ने एक मजबूत सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है, साथ ही उत्तर प्रदेश से 19 से ज्यादा सीटें आने पर यूपी की जनता को भी धन्यवाद दिया। मैया का आशीर्वाद लेने सदा आता रहता हूँ। आज विशेष रूप से माँ पीताम्बरा जी के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ और यहाँ उपस्थित होकर के भारतीय राजनीति में एक बड़ा विलक्षण अवसर है कि 6 महीने पहले थोड़ा यहाँ कसमकस का जनादेश था, बराबरी पर गाड़ी छूटी थी, लेकिन 6 महीने बाद ही मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह एक मजबूत सरकार के लिए जनादेश दिया, और जनादेश मतलब 99% का जनादेश दिया, इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी जनता का अभिनंदन है, मतदाताओं का अभिनंदन है और भाजपा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई है। यूपी में भी आपको एक विशाल जीत मिली है, तो यूपी के लिए यूपी की जनता का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है और उसका भी अभिनंदन मैंने भी झांसी में किया। और अब यह है मजबूत और सेवाभावी सरकारों का दौर शुरू है, अब ये बहुत लंबे कालखंड तक चले। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।